आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और आज शाम को 6 बजने के साथ ही चौथे चरण का चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है। प्रचार के मैदान में आज बीजेपी की ओर से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, तो वहीं एसपी की ओर से अखिलेश यादव और बीएसपी के लिए मायावती भी आज प्रचार करेंगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी चुनावी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल भी मंच से वोटरों को संबोधित करते नजर आएंगे। इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, चौथे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? साफ तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो 3 चरण के चुनाव हैं वो पूरी तरह से संपन्न हो गए हैं, वहीं बात करें चौथे चरण की तो 23 फरवरी को चौथे चरण के चुनाव होने हैं और इसमें लगभग 9 जिलों में लगभग 59 सीटों में चुनाव होने हैं और इसके अलावा लगभग 624 उम्मीदवार जो है वो अपनी किस्मत को आजमाएंगे और इसी के साथ ही आज चौथे चरण का जो प्रचार प्रसार है वो भी थम जाएगा। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, या तो फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या प्रियंका वाड्रा हों, तमाम तरीके के जो बड़े दिग्गज नेता है वो आज पूरी तरह से इन 9 जिलों में पूरी तरह से प्रचार प्रसार करेंगे। और इसके अलावा वही बात करें आम आदमी पार्टी की तो केजरीवाल भी इससे अछूते नहीं और केजरीवाल भी आज लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा जिस तरीके से अखिलेश यादव और कल योगी आदित्यनाथ ने सरोजनी नगर विधानसभा सीट में रैली की थी, रोड शो किया था, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित किया था, तो इसको लेकर चौथे चरण की जो चुनाव है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से पूरी कर ली गई और तमाम तरह का जो प्रचार प्रसार है वो आज शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। जी अजहर, लखनऊ में भी चौथे चरण में चुनाव है तो आज क्या देखने को मिल सकता है, कौन कौन से दिग्गज लखनऊ में प्रचार करते नजर आएंगे? बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से आज प्रियंका वाड्रा लखनऊ पहुंचेंगी और लखनऊ में नटकुर इलाका जो है सरोजनी नगर विधानसभा सीट का वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगी, इसके बाद इनका एक रोड शो भी है। और वहीं अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो लगभग 11 बजे अरविंद केजरीवाल लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद कैसरबाग स्थित एक मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और वोटरों को लुभाएंगे। साफ तौर से आपको बता दें जिस तरीके से पीलीभीत हो, लखीमपुर खीरी हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो या अवध क्षेत्र की जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो रायबरेली हो, बाराबंकी हो, इसमें 23 तारीख को चुनाव होने हैं तो काफी महत्वपूर्ण ये सीटें भी मानी जा रही हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता नजर आ रहा है और इस दौरान जो ये अवध क्षेत्र का जो इलाका है ये काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं और ये चौथा चरण है ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो तमाम जो दिग्गज नेता है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो रायबरेली, प्रयागराज या सुल्तानपुर जैसे इलाकों में आज जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी जो शीर्ष नेता है वो लगातार आज पूरी तरह से मैदान में उतरेंगे और वहीं अखिलेश यादव भी आज तमाम तरह से जो रैली है, चाहे वो हरदोई का इलाका हो या तमाम जो अवध क्षेत्र का इलाका है वहां पर जनसभाएं करेंगे, कई जनसभाएं करेंगे और अपने जो मतदाता हैं उनको संबोधित करेंगे। जी अगर बात करी जाए बीएसपी प्रमुख मायावती की तो उनके भी कार्यक्रम आज निर्धारित है, कहाँ कहाँ पे जनता को संबोधित करती नजर आएंगी? जी बिल्कुल, साफ तौर से मायावती आज वो भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में, जिस तरीके से देखा गया है कि मायावती की अभी इतनी ज्यादा रैलियां नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से चुनावी चरण शुरू होने के बाद अब मायावती भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और उनका प्रयागराज में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई तरह के जो रोड शो है वो बसपा द्वारा रखे गए हैं। इसके अलावा तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरह से आज चुनावी मैदान में है और आपको बताते चले आज शाम 6 बजे पूरी तरह से जो चुनावी प्रचार है वो थम जाएगा। इसके बाद तमाम जो पोलिंग पार्टीज है वो चौथे चरण के लिए उन तमाम क्षेत्रों में के लिए रवाना हो जाएंगी और पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया को कराने के लिए पहुंच जाएंगी। जी जी अगर बात करी जाए लखनऊ की तो लखनऊ में कितने मतदान केंद्र बनाए गए कुल? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरीके से अभी लखनऊ की बात करें तो पूरी तरह से अभी जो मतदान केंद्र है वो कई तरह के लगभग कई बूथ बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर तो पूरी तरह से जो जानकारी है वो निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन अभी आने वाले समय में इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन पूरी जिस तरीके से लखनऊ और उन्नाव और बाराबंकी जो अवध क्षेत्र का जो इलाका है, चाहे वो सीतापुर हो, हरदोई हो, रायबरेली हो,
तो यहाँ पे इन सभी जगह पे इस चौथे चरण में चुनाव होने हैं। तो फिलहाल अभी निर्वाचन आयोग द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई है कि कितने बूथ कहाँ पर क्या होंगे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से लगभग 2.25 लाख जो वोटर्स हैं वो लगभग 624 उम्मीदवारों की का जो भविष्य है वो तय करेंगे और देखेंगे किसको आखिर किस तरह से वोटिंग की जाती है ये, और जो बूथों को लेकर जो तमाम चीजें हैं वो निर्वाचन आयोग आज शाम तक के पूरी तरह से चीजें फाइनल हो जाएंगी। जी अजहर, बीती शाम हमने देखा कि वो चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव हो, दोनों ने ही एक यात्रा निकाली जनता के बीच, जनता को संबोधित किया, पहुंचे, काफी भीड़ भी देखने को मिली थी लखनऊ में। तो आज अखिलेश यादव की क्या कुछ कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव आप जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने सरोजनी नगर विधानसभा सीट से और जो रोड शो किया अखिलेश यादव ने, वो नटकुर से सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है नटकुर गौरी में पड़ता है, वहां से वो रोड शो होता हुआ हजरतगंज अवध चौराहे से होता हुआ पुराने लखनऊ तक के जो पहुंचा, वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम तरह के जो रोड शो हैं वो काफी रोड मैप जो पूरा तैयार किया था उस तरह से रोड शो हुआ। वहीं अखिलेश यादव की आज बात की जाए तो वहीं अखिलेश यादव हरदोई में भी आज जनसभा करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो तमाम तरह से देखा जाए कि जिस तरीके से अब चुनाव होने हैं चौथे चरण के, तो तमाम जो राजनीतिक जो नेता है, जो शीर्ष नेता है, वो पूरी तरह से मैदान में उतरे हैं और लगातार अपनी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। जी अगर अगर बात करें मतदाताओं की, तो चौथे चरण में कौन से मतदाता सबसे ज्यादा संख्या में है? बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए, चाहे वो सरोजनी नगर सीट हो, लखनऊ कैंट सीट हो, तो जिस तरह से ब्राह्मण जो वोट बैंक है यहाँ पर काफी ज्यादा है। इसके अलावा जो क्षेत्र है, चाहे वो रायबरेली की बात की जाए, बाराबंकी का जो इलाका है या अयोध्या का जो इलाका है, तो तमाम जिस तरीके से ब्राह्मण और SC वोट बैंक है ये काफी ज्यादा देखने को मिला। इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक भी खासा यहाँ पर है, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो, उन्नाव क्षेत्र की बात हो, या तो फिर ये फैजाबाद से सटे, अयोध्या से सटे रुदौली है और बाराबंकी है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी खासा मुस्लिम वोट बैंक है। तो तमाम तरीके की बात की जाए, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए, जो लखनऊ का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो ज्यादा प्रतिशत में है। इसके अलावा भी अलग अलग जाति जो है वो भी काफी संख्या में वोट बैंक है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़े हुए थे। तो चौथे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा, सभी दिग्गज आज जनता के बीच मौजूद रहेंगे और जनता से संवाद करेंगे, वोट की अपील करेंगे, और कोई भी ऐसा दल नहीं है जो कि आज चुनावी मैदान में ना उतरे, क्योंकि इस बार जो चौथे चरण का चुनाव है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तो प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, सभी दिग्गज आज चुनावी मैदान में उतरेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। तो काफी अहम माना जा रहा है चौथे चरण का चुनाव, इसमें ब्राह्मण वोट बैंक सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से जाटलैंड में चुनाव हुआ, मुस्लिम बेल्ट में चुनाव हुआ, उसके बाद यादवलैंड में चुनाव हुआ, और अब जो चुनाव होने वाला है चौथे चरण का, उसमें मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है, ब्राह्मण वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर बड़े ऐसे जिले हैं जो ज़्यादातर, जैसे लखनऊ की बात कर ली जाए तो लखनऊ राजधानी है और यहाँ पर राजनीति चरम पर देखने को मिलती है, और सभी दिग्गज उतरेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, और आने वाले जो चौथे चरण का चुनाव है उसके लिए तो आज प्रचार थम जाएगा, उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी पांचवे चरण की। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान हो रहा है और ऐसे में 3 चरण पूरे हो चुके हैं, बीती शाम 3रे चरण का मतदान खत्म हुआ और आज चौथे चरण के लिए प्रचार थम जाएगा। 23 तारीख को चौथे चरण का प्रचार होना है और जिसके लिए आज जोरों शोरों से तैयारियां देखने को मिलेंगी। और अब इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए फतेहपुर से संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं। अमरदीप, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है चुनाव के मद्देनजर, कौन कौन से दिग्गज आज जमीन पे उतरेंगे? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है सीमा जी, कि आज जो है जो मतदान हो रहा है उस पर आज शाम को 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। थमने के बाद जो अभी तक एक सरगर्मियां तेज नजर आ रही थी फतेहपुर जनपद में, सारे प्रत्याशी अपने अपनी जो सीट जीत के दावा कर रहे थे, उनके आज सारे के सारे प्रचार सुनने के बाद एक साइलेंस का माहौल हो जाएगा। और रही बात यह कि आज जो प्रचार, चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन है उस पर आज यहाँ पर फतेहपुर जनपद में विकासखंड मलवा के सहली गाँव में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का जो है कार्यक्रम लगा हुआ है, जो बिजली विधानसभा के प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकिस के समर्थन में आज जनसभा को आयोजन करेंगी।
वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूर्व सांसद एवं प्रमोद तिवारी जी जो विपक्ष के नेता भी थे, वो आज बिनती कस्बे में आकर के बिनती विधानसभा के प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसपे वो जो है कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जन आयोग मतदान के लिए लोगों से अपील करेंगे। जी जी अमरदीप, अगर बात करी जाए मतदाताओं की तो फतेहपुर में कौन से मतदाता सर्वाधिक है? देखिए ऐसा है कि अगर हम मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर सारे सभी धर्म जात के लोग निवास करते हैं जी। और अगर देखा जाए तो जोड़ा जाए तो सपा से यादव बाहुल्य होते हैं, मुस्लिमों का भी कुछ वोट सपा को जा रहा है, इसके बाद मुस्लिमों का कुछ वोट जो है बीएसपी पे भी जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ एक जो मतदान की स्थिति दिखाई पड़ रही है या जो वोट पड़ेंगी जा करके, तो जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके पक्ष में जो है जरूर मतदान का जो है डिवाइडेशन होगा, जिसको जो है पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है। जी अमरदीप, अगर सभी दलों ने जो अपने प्रत्याशी उतारे वो किस समीकरण के आधार पर उतारे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति धर्म के आधार पर हमेशा से देखने को मिली है और समीकरण भी कुछ इसी प्रकार बैठाए जाते हैं, तो कौन सी जाति या समीकरण को देखते हुए इस बार प्रत्याशियों को उतारा गया है? सबसे ज्यादा प्रत्याशी किस वर्ग के देखने को मिल रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया सुधा जी आपने। अब अगर हम इसको बात करते हैं तो बात करने पे ये देखा जाए कि कुर्मी बाहुल्य, तो कुर्मी बाहुल्य में अधिकतर मोस्टली जैसे बिनकी विधानसभा में अगर बात करें तो जो जहानाबाद विधानसभा के पहले प्रत्याशी जिनका नाम घोषित होने की स्थिति में था, अपने दल के गठबंधन के प्रत्याशी थे जय कुमार जय की, जो वर्तमान में प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री हैं, उनकी सीट बदल दी गई और उनको विधानसभा जहानाबाद दे दिया गया। और जो पहले से आकलन किया जा रहा था कि बिनती विधानसभा से राजेंद्र पटेल को जहानाबाद विधानसभा बिनती विधानसभा से चुनाव टिकट मिलेगा, पर उनको जो है बदल करके पूरी उनको जहानाबाद विधानसभा उतार दिया गया। पर हाँ इतना जरूर है कि बीजेपी ने जो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों के लिए जो अपने प्रत्याशी पहले जो सीटें थी उसमें जरूर फेरबदल किया गया है। जैसे खागा में कृष्णा पासवान को जो पहले से वहां से थी उनको दिया गया है, हुसैनगंज विधानसभा से रविंद्र प्रताप सिंह भुन्नी भैया जिनके पास जो एक खाद्य स्वराज मंत्री का वो कार्यभार था उनको वहां से दिया गया है। इसके बाद सा आया से जरूर बदले गए हैं प्रत्याशी। तो यहाँ एक मुस्लिमों का हो या अन्य जातियों का हो जो समीकरण जो डिवाइड किया गया है वो जरूर एक सोचने वाली बात है। जी जी, और जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, पहले के मुकाबले तीनों चरण में देखा गया है कि मतदान अच्छे खासे हुए, तो क्या लग रहा है फतेहपुर में भी क्या इस बार अच्छी खासी संख्या में मतदान होगा? लोग घरों से निकलेंगे मतदान करेंगे, क्या जागरूक लग रही है जनता? देखिए ऐसा है शिखा जी, हमने पहले भी लाइव में बताया था कि यहाँ का मतदाता जी जो प्रत्याशी जिसके दरवाजे पहुँचता है उससे हाँ की तो बात करता है, पर पिछली कमियों को देखते हुए जी। जो बीजेपी सरकार की कमियां निकल कर आई जैसे अन्ना मवेशी जैसे ये कुछ ऐसे है प्रारूप जिनको देख करके किसानों पे, तो हाँ किसान जरूर जो है अपनी मानसिकता को बदल रहा है, वो नहीं चाह रहा है परिवर्तन चाह रहा है। तो ऐसे में लगता है कि किसानों के अंदर या वोटरों के अंदर जो पहले के पिछली पंचवर्षीय योजना में जो उनका दिखाई पड़ता था उत्साह दिखाई पड़ता था, अब वो इस समय उत्साह बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, पूरी तरीके से वोटर साइलेंस मोड में चला गया है। जी अगर मुद्दों की बात करी जाए तो कौन कौन से मुद्दों को देखते हुए इस बार का चुनाव हो रहा है? देखिए यहाँ पर अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें, जो इस समय वर्तमान सरकार है वो तो एक मुद्दा है कि भाई हमने राम मंदिर बनवाया और कहते हैं हाईवे बनवाए, पर इन हाईवे से और राम मंदिर के निर्माण से जनता यहाँ का नहीं चाह रही, जनता चाह रही है जनता की 3 मूलभूत समस्याएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान। और अगर और हम खुल के बात करें तो यहाँ की जनता महंगाई से इतना ऊब चुकी है, अन्ना मवेशियों से इतना ऊब चुकी है कि वो पूरी तरीके से सरकार में परिवर्तन चाहती है। जी जी, और जिस तरह से कोरोना काल देखा जनता ने और सरकार द्वारा कई सुविधाएं देने की बात भी कही गई है, तो क्या वो सुविधाएं जनता तक पहुंची हैं? देखिए आपने जो सवाल किया कि कोरोना काल में क्या रही, तो ये बात तो सच है कि अगर देखा जाए तो वर्तमान सरकार ने कोरोना काल में काफी हद तक जो है लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। पर अगर ये रूरल की बात करें तो रूरल में जो कोरोना काल में जो लोगों के सामने विसंगतियां आई, समस्याएं आई,
उनका तो निवारण नहीं हो पाया है, पर हाँ अगर शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो जरूर वर्तमान सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं। जी, अगर प्रत्याशियों की बात करी जाए अमरदीप, तो कौन कौन से प्रत्याशियों के जुबान टिकट कटे हैं और कौन कौन से नए चेहरों को मौका दिया गया है सभी दलों द्वारा? देखिए ऐसा है कि अगर हम प्रत्याशियों के नए चेहरों की बात करें तो बिनती विधानसभा से कांग्रेस के नए प्रत्याशी आए हुए हैं और मन्यू सिंह हैं। इसके बाद अगर हम अयाज साहब विधानसभा की बात करें तो वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी महिला प्रत्याशी आई हुई हैं हेमलता पटेल। अगर हम हुसैनगंज विधानसभा के क्षेत्र से बात करें तो वहां पर शिवाकांत तिवारी पर जो है दांव आजमाया गया है, पर हाँ इतना जरूर है कि भाजपा सरकार में जो उनके पूर्व के थे तो जिसमें कि बिनकी विधानसभा से जो करण सिंह पटेल भाजपा के जो विधायक हुआ करते थे उनका टिकट काट करके वहां से जयकुमार जैकी को बनाया गया है, और जो बिनकी विधानसभा जहानाबाद के प्रत्याशी थे जयकुमार जैकी उनकी जगह पर राजेंद्र पटेल को लाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अमरदीप त्रिपाठी जुड़े थे फतेहपुर से। तो चौथे चरण का मतदान 23 तारीख को होना है और आज प्रचार थम जाएगा और सभी दलों की तरफ से पूरी जोर आजमाइश करी जा रही है जनता को अपने पक्ष में लाने की, अपने वोट बैंक को बढ़ाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। और आज भी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये बड़े दिग्गज नेता जनता के बीच जाएंगे तो अपनी जो नीतियां हैं जनता को बताएंगे कि अगर हम सत्ता में आते हैं या फिर सत्ता में बने रहते हैं तो हम क्या कुछ काम करेंगे 5 सालों में, और साथ ही साथ मौजूदा सरकार भी इसी कोशिश में है और विपक्ष मौजूदा सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। कोई भी दल के नेता हो मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उनकी कमियां को गिना रहे हैं, कमियां जो 5 सालों में देखी गई हैं। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए मौजूदा सरकार की, तो मौजूदा सरकार अपने कई बड़े दिग्गज नेताओं को जमीनी तौर पर उतार रही है और जनता के बीच सभी बड़े दिग्गज जाके जनता को नीतियां बता रहे हैं। जो कुछ भी काम किया गया है इन 5 सालों में यूपी सरकार द्वारा उनके बारे में बताया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है, जनता से वोट की अपील की जा रही है, पिछली सरकारों की कमियां बताई जा रही है, वो चाहे बसपा सरकार हो या फिर सपा सरकार हो, दोनों ही सरकारों की कमियां बताई जा रही हैं और जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करी जा रही है। और इस खबर पे अब हमारे साथ लखीमपुर खीरी से संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, लखीमपुर खीरी में चौथे चरण के लिए क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए बिल्कुल बता दो, लखीम आज शाम को जो करीब 6 बजे जो चौथे चरण का जो चुनाव प्रचार है बिल्कुल पूरी तरीके से थम जाएगा। वहीं पर आज लास्ट दिन है चुनाव प्रचार का। लखीमपुर जनपद में सारे प्रत्याशी पूरी तरीके से जोर शोर से 6 बजे तक अपना चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह से देख रहे हैं लोग गांवों में जा रहे हैं, तो हर प्रत्याशी का वर्कर जा रहा है, हर वोटर से एक एक वोटर से मिल रहा है। तो आज शाम तक पूरी मेहनत के साथ चुनाव प्रचार करेगा, उसके बाद 6 बजे जब चुनाव प्रचार थम जाएगा। और अगर आप जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो चाक चौबंद की जा चुकी है। लखीमपुर जनपद में जो है करीब 3173 बूथों पर 23 तारीख को जो है मतदान शुरू हो जाएगा सुबह 6 बजे। जी धीरज, अगर बात करी जाए बड़े चेहरों की, तो आज कौन कौन से बड़े चेहरे आखिरी दिन प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे लखीमपुर खीरी में? देखिए लखीमपुर जनपद में अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं, आज लखीमपुर जनपद में किसी बड़े चेहरे का जो है अभी तक तो कोई ऐसा सूचना या प्रोटोकॉल नहीं है। फिलहाल जो प्रत्याशी है उनके जो समर्थक है वो पूरी तरीके से आज लगे हुए हैं कि शाम तक जो है किसी न किसी तरीके से हर वोटर से मिला जाए, हर गांव का दौरा किया जाए, कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी चूक न कि वोटर ये न कह पाए कि हमारे पास कोई आया नहीं है, हमारे गांव नहीं आया है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरी हर पार्टी का वर्कर जो पूरी तरीके से आज लगा हुआ है। जी धीरज, तीनों चरणों में हमने देखा कि वोट बहिष्कार की खबरें भी सामने आई अलग अलग जगह से, सड़क नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं। तो क्या लखीमपुर में भी कहीं ऐसी खबर इससे पहले सामने आ चुकी है जो कि चुनाव के दिन भी देखने को मिले? बिल्कुल बता दे आपको, लखीमपुर जनपद की जो पलिया विधानसभा ग्राम पंचायत कांप है ऐसी, जहाँ पे रोड को लेकर जो ग्रामीणों के द्वारा जो है चुनाव बहिष्कार किया गया था, लेकिन वहीं पर जो तहसील प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को समझाया बुझाया गया तो ग्रामीण जो अस्वस्थ है पूरी तरीके से वोट करेंगे 23 तारीख को। जी वोट करेंगे, यानी कि कोई बहिष्कार की खबरें सामने नहीं आएंगी। क्या कुछ निवारण करा जाएगा? जी जानकारी नहीं।
जी अगर बात करी जाए प्रत्याशियों की, तो कौन कौन से प्रत्याशी इस बार कांटे की टक्कर दे रहे हैं? क्या सपा और बीजेपी के बीच में ही टक्कर है या बीएसपी भी वोटों का बिखराव कर सकती है? कांग्रेस को कहां देखते हैं? देखिए बिल्कुल, लखीमपुर जनपद में आठों विधानसभाओं में फिलहाल तो सपा और भाजपा में टक्कर दिखे, लेकिन दो ऐसी विधानसभा है जहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है बसपा के साथ। जी वोटरों के इस बार मुद्दे क्या हैं? कौन से मुद्दे को देखते हुए इस बार मतदान करेंगे मतदाता? देखिए बिल्कुल, वोटरों के जो मुद्दे हैं इस बार चुनाव का जो मतदान करेंगे, वो अगर हम नवयुवक की बात करें जो बेरोजगार है, तो उनका सीधा सा मुद्दा है कि बेरोजगारी है, तो विकास को लेकर जो 23 तारीख को मतदान होगा लखीमपुर खीरी में, अधिकतर जो वोटर है वो विकास के मुद्दे को लेकर ही वोट करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धीरज जुड़े थे लखीमपुर खीरी से। तो लखीमपुर खीरी में भी विकास के मुद्दे पर ही वोट डाला जाएगा, और दो ऐसी विधानसभा है जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, और बाकी विधानसभाओं में बीजेपी और सपा के बीच ही टक्कर मानी जा रही है। लेकिन आज सभी दिग्गज अपना पूरा जोर लगा देंगे, सभी पार्टियों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता आज जनता से बात करेंगे, क्योंकि आज के बाद प्रचार थम जाएगा चौथे चरण के लिए, और चौथे चरण के लिए तैयारियां आज जोरों पर हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।